लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियंक जैन। छह मणि पर आज दिगंबर जैन मंदिर पाली में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सुबह से भगवान का अभिषेक किया गया एवं क्षमा मणि पूजन की गई। दोपहर में 2 बजे करीब मुनि श्री कृपयासागर जी के सानिध्य में विमान जी निकले, जिसमें श्री जी को विराजमान कर नगर की प्रसिद्ध चौराहों पर, जैसे कि आप पंड्यानाबाद, गांधी चौक, राव साह मोहल्ला, हजरियाबाद, पुराना बस स्टैंड और नगर पंचायत राह होते हुए मंदिर जी में विमान पहुंचे। विमानों के आने के बाद मंदिर जी में बोलियों के माध्यम से द्वारा 4 इंद्र बनाए गए, जिन्होंने भगवान जी का अभिषेक किया। अभिषेक करने के पश्चात सभी ने भगवान की पूजा की। इसके बाद मुनि श्री जी के प्रवचन में क्षमावाणी के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया कि हमें एक दूसरे से क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे हमारी कटुता हो, वो भी हमारे सहृदय प्रेम के द्वारा वो हमसे घुल मिल जाए। इस संसार में कुछ भी नहीं रखा है, हमें सबसे मैत्री भाव बनाकर रहना चाहिए। पाली से प्रियंक कुमार जैन के साथ मनु विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हमारे पर्व हम सकल समाज ने बड़ी धार्मिक क्रियाओं के साथ यह क्षमावाणी पर्व मनाया, जिससे समस्त समाज के भाव निर्मल रहे और समस्त समाज में एकता का प्रतीक हम लोगों को देखने को मिला। आज गुरुवर के समक्ष जो हुआ, सभी लोगों ने एकता का प्रतीक दिया और किसी में किसी भी प्रकार की वैमनस्यता नहीं दिखाई दी, और इस तरह की भावना यदि रही तो सभी जीवों का उद्धार होगा और समाज में संगतता बढ़ेगी। प्रदूषण पर्व के अवसर पर हमारी समाज ने जो संगठित होकर कार्य किया है, एक होकर और जो संदेश दिया है, उससे ऐसा लगता है कि हमारे विश्व में जितने जैन समुदाय हैं, उनसे यही कहूंगा कि एक होकर अपन संगठित रहें और अपने धर्म को आगे बढ़ें। आज तक जितने भी हम लोग विमान उत्सव करते रहे हैं और आज मुनि श्री प्रवर सागर जी महाराज जी के सानिध्य में आज कैसा विमान उत्सव हम लोगों के जीवन में अतुलनीय रहा है, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतना आनंद आया। और मुनियों की भक्ति की, भगवान की भक्ति की जय जी। हम समस्त संसारिक प्राणियों से कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में उत्तम क्षमा को धारण कीजिए, और उत्तम क्षमा को धारण करने से आत्मा के जो 10 लक्षण हैं वो स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। अपने जीवन में क्षमा धारण करेंगे तो क्रोध, मान, लोभ, माया जितने भी 10 धर्म हैं स्वतः ऑटोमेटिक प्राप्त होते जाते। फिर बार मुनि सागर के प्रवचनों के द्वारा हमारी जैन समाज को एकत्रित और संगठित रहने को कहा गया है, जो एक अतुलनीय कार्य है। पर हमें शिक्षा देता है कि हम क्रोध, मान, माया, लोभ इनको छोड़ करके सभी जीवों से क्षमा याचना कर, एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक सभी प्राणियों से क्षमा मांगे एवं हम क्षमा करें, यही हमारा पर्व।